और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और गुरुवार का दिन है। नौमी तिथि आज शाम 6:52 तक रहेगी। आज शारदीय नवरात्र का नवा दिन है। याद दिला दूं कि बीते 7 अक्टूबर को शुरू हुए नव दिवसीय शारदीय नवरात्र की पूजा संपूर्ण हो जाएगी। नवरात्र की नौमी तिथि को महानवमी के नाम से जाना जाता है। आज नवरात्र के आखिरी दिन माँ दुर्गा की नौमी और अलौकिक शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री। कहते हैं इनकी पूजा से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व। एक बार फिर इनके नाम बताता हूँ, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व। कुल 8 सिद्धियां हैं जो कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। लिहाजा विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आज सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही इसे अति विशिष्ट मंत्र का 21 बार जप भी करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। देखो ये तो हम आपको नवांड मंत्र बार बार बताते, लेकिन सिद्ध कुंजिका में एक मंत्र दिया हुआ जो सिद्ध कुंजिका का मंत्र है वो क्या है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओं ग्लौं हों क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं संग लंग शंग पट स्वाहा। अभी ठहरिए और समझिए, इसको भागिए नहीं। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृतिर हेतवे। मंत्र को जागृत करने के लिए ये कुंजिका स्तोत्र, और दुर्गा सप्तशती में देखेंगे तो भी सबसे आखिर में है। यह मंत्र पढ़ने से तब दुर्गा पाठ फलम लभेत, इससे दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा की चर्चा। इसके अलावा आपको बता दूं कि दुर्गार्चन पद्धति के अनुसार आज नवमी को कांसे के पात्र में नारियल पानी और तांबे के पात्र में शहद डालकर माँ को चढ़ाना चाहिए। कालिका पुराण में आज कूष्मांड यानी कद्दू की बलि का विधान है। ईख यानी गन्ने का रस भी देवी माँ को चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है, कृपा प्राप्त होती है माता की। बता दूं कि महानवमी नवमी को हवन करने का भी विधान है। आज हवन करने से घर की शुद्धि होती है और सबके जीवन में बरकत आती है, साथ ही घर का वास्तु अच्छा होता है। तो आइए चर्चा करते हैं आज महानवमी के दिन विशेष फलों की प्राप्ति के लिए विशेष चीज़ों से किए जाने वाले हवन और मंत्रोच्चारण के बारे में। अगर आप अपनी सुख संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको कमलगट्टे से हवन करना चाहिए। साथ ही दुर्गा सप्तशती में दिए देवी माँ के इस विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो स्वस्थई ही स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। अगर आप अपने शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज आपको पीली सरसों से हवन करना चाहिए। साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में दिए इस विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। नमस्ते रुद्ररूपिणी, नमस्ते मधुवर्धिनी, नमः कैटभ हारिण्यै, नमस्ते महिषार्दिनी। और अगर आप दूसरों के मन में अपने लिए प्यार जगाना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपने जीवन साथी के दिल में अपने लिए प्यार जगाना चाहते हैं, आप अपने बॉस के मन में, अपने किसी उच्चाधिकारी के मन में, अपने माता पिता के मन में, अपने बच्चों के मन में, अपने अध्यापक के मन में या अन्य किसी भी व्यक्ति के मन में अपने लिए प्यार जगाना चाहते हैं, समस्त संसार के चित्त में अपने लिए स्नेह चाहते हैं, तो आज आपको घी और शक्कर को मिलाकर उससे हवन करना चाहिए। साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में दिए इस विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। अयंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका कलिंकारी काम रूपिणे बीज रूपे नमोस्तुते। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहे, उसकी बौद्धिक क्षमता श्रेष्ठ रहे, तो बच्चों की माताओं को आज दूध और चावल की खीर बनाकर उससे हवन करना चाहिए। साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में दिए इस विशेष मंत्र का जाप। देखो हमने आपको बताया था बीच में कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण स्वस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र तो आप जपी, लेकिन अब ये मंत्र सिद्ध कैसे हो, इसकी चाबी कहाँ है?
धांग धींग धूंग धूर जटे हे पत्नी वांग विंग वोंग वागधीश्वरी क्रांग क्रींग क्रोंग कालिका देवी शांग शिंग शो में शुभम करु। अगर आप किसी मुकदमे में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आज आपको नारियल के टुकड़ों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। ये नारियल है पानी वाला, तोड़ करके भी उसको तोड़ सकते हैं, और अगर सूखा नारियल का गोला है उसे भी ले सकते हैं, दोनों में कोई भी ले सकते हैं, जो अवेलेबल हो वो ले लीजिए। सिद्ध कुंज का के इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। हुंग हुंग हुंकार रूपिणी जंग 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 जम भना देनी भ्रांग भ्रींग भ्रूंग भैरवि भद्रे भवान्यै ते नमो नमः आहुति। अगर आप कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पाना चाहते हैं या राजनीति में अपने पैंट जमाना चाहते हैं तो आज आपको मखानों की 51 आहुतियां देकर हवन करना चाहिए। साथ ही सिद्ध कुंज का स्तोत्र में दिए इस विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग वींग दूंग ऐंग वींग हंग छंग ध्वजाग्रम ध्वजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। जीवन में सुरक्षित रहना चाहते हैं या अपनी रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको जव और गुग्गुल से हवन करना चाहिए। हवन के लिए आप जितनी मात्रा में जव लीजिए उतनी ही मात्रा में गुग्गुल भी लीजिए, दोनों के बराबर मात्रा में आहुति देनी चाहिए। हवन के साथ ही आपको दुर्गा सप्तशती में दिए इस विशेष मंत्र का जाप भी करना चाहिए। मंत्र है शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटास्वनेन न पाहि चापज्जा निःस्वनेन च शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटास्वनेन न पाहि चापज्जा निःस्वनेन च। तो अगर आप भुक्ति मुक्ति पाना चाहते हैं, आप अपने काम में जीत हासिल करना चाहते हैं, अच्छा सौंदर्य पाना चाहते हैं, यश सम्मान पाना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं तो आज आपको मक्खन और मिश्री से हवन करना चाहिए। साथ ही दुर्गा सप्तशती में मार्ग जो मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती बताई है, उस दुर्गा सप्तशती में जो सामान्य रूप से आपको मिलती है बाजार में वो मार्कंडेय ऋषि की ही है, तो दुर्गा सप्तशती में दिए जगत जननी के इन विशेष पंक्तियों का रूप जाप करना चाहिए। विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमांशियम विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमांशियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जयि विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमांशियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जयि। भुक्ति मुक्ति सब कुछ मिले। अगर आप अपने जीवन में हर प्रकार की बाधा से हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज आपको सूखे बेल से बेल की गिरी बेल के छिलका नहीं सूखे बेल गिरी से हवन करना चाहिए और जगत जननी के इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशयः। ये जगत माता का वाक्य है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो सभी बाधाओं से मुक्त होता है मनुष्य, धन धान्य सुत पुत्र इत्यादि से युक्त होता है मनुष्यो मत प्रसादेन मेरे प्रसाद से मनुष्य होता है भविष्यति होता है न संशयः। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें सपने में देवी माँ के दर्शन हो जाए और उन्हें अपनी सिद्धियों के बारे में या अपने खास काम के बारे में पहले से पता चल जाए, तो आज आपको 51 बताशों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। साथ ही जगत जननी के इस विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम वा स्वप्ने सर्वम प्रदर्शय। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम असिद्धिम वा स्वप्ने सर्वम प्रदर्शय। तो ये सारी चर्चा थी आज महानवमी के दिन किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 1:46 तक द्वितीय योग रहेगा। किसी भवन या स्थान का शिलान्यास भूमि पूजन या नींव का पत्थर रखने के लिए द्वितीय योग को उत्तम माना गया है। इस योग में रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। साथ ही आज सुबह 9:36 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। आज हम बात करेंगे श्रवण नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना,
इसका प्रतीक चिन्ह कान को माना जाता है। पेड़ पौधों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपयोजिता, लिहाजा श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज मदार के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।